हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा बोट स्टॉपवॉच की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके, जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाया है 1500 रुपये में, जबकि इसकी ओरिजिनल प्राइस 2500 यानी कि 2500 रुपये है। अगर आपको भी ऐसी डील्स एंड ऑफर्स के बारे में अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसमें मैं हमेशा डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ ऐसे ऑफर्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल इसी तरह के पैकेजिंग में आया था और उसकी प्राइस जो 1500 है, आप इस शक्ल में देख सकते हैं। फ्रेम जो है वो मेटल का है, इसका जो स्ट्रैप है वो सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में सारे सेंसर अवेलेबल है। और इसको पहली बार ऑन करने के लिए आप पावर बटन दबाएंगे, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। आपको सबसे पहले चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप चार्जर कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसका नाम बोट प्रो गियर है। नहीं तो आप इसके पैकेजिंग में एक बारकोड है, अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन का ब्लूटूथ एंड लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा। आप जैसे ही अपने लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप वॉच शो होने लगेगी। आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इस
उसके बाद ये कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि हाइट और वेट आपका। सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद आपकी वॉच जो है वो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपके ऐप में क्लाउड प्रिंसेस का ऑप्शन ना है सेट करने के लिए, तो आप सिंपली वॉच को अनबाइंड करके बाइंड कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसमें आप कस्टम वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, और मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ कि कैसे सेट करेंगे। आपको इस वॉच के सारे स्पेसिफिकेशन को टेस्ट करके दिखाता हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप कॉल अलर्ट का नोटिफिकेशन देख सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किसकी कॉल आ रही है और इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बट आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते। और इसमें आप किसी भी टाइप के नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, बट आप उसमें किसी का भी रिप्लाई नहीं दे सकते। इसमें एक नया फीचर है सेडेंटरी अलर्ट के नाम से, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा बैठे हुए बिना कोई एक्टिविटी के या फिर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको नोटिफाई करेगा कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं।